आज तो सुबह सुबह इलिश मांस के साथ खा के आए हूँ। बच्चो तुम सब सही हो ना? ठीक हो ना? मैं कुछ देर लेट जाता हूँ, ठीक है? कुछ देर में थोड़ा आराम करता हूँ। तुम सब अपना अपना किताब खोल के देख लो क्या क्या होमवर्क मैंने दिया था, क्या क्या क्लास में सिखा रहे थे हम लोग, है सब कुछ देख लो एक बार, ठीक है? बोंडू तुम ये सब देखोगे सबका, ठीक है? तो चलो मैं थोड़ा आराम करता हूँ कुछ देर के लिए। पता है ना तुम सबका क्वेश्चन पेपर बनाने में मेरा रात रात तक जागना पड़ता है, तो इसलिए अभी आज मुझे सुबह में रात में इतना टाइम नहीं मिला, तो सुबह सुबह फटाक से आ गया मैं स्कूल में। तो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ मैं 10-15 मिनट जैसा, ठीक है? तुम लोग अपना अपना पढ़ाई करो, ठीक है ना? जी सर, हम पढ़ाई करेंगे अपने अपने सबके, हम सब ग्रुप स्टडी करेंगे सर जी, तब बेहतर रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ग्रुप स्टडी करो, कोई बात नहीं। तुम सब ग्रुप स्टडी करो या जो करना है करो, ठीक है? और थोड़ा शांत से रहो, ठीक है ना? मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट दो तुम लोग आज, ठीक है ना? थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। ठीक है सर, हम लोग आज थोड़ा ग्रुप स्टडी करते हैं। मैं, चुटकी और सीला। चुटकी, हेलो चुटकी, सुनो ना, वो तुमको पता है BTS में जो नया लड़का है ना दूसरा, वो इतना हैंडसम दिखता है रे, है? तुमको भी अच्छा लगता है क्या? है? मुझे तो ज्यादा ही हैंडसम लगता है, लव लगता है। अच्छा रे तुम भी, तुम क्या डंडिया खेलोगे उसके साथ, है? उसके साथ क्या डंडिया खेलोगे? तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अरे अरे छोड़, मैं यूं ही सर को बुलाने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं BTS का बहुत बड़ी फैन हूँ, पता है ना तुम्हें? आजकल तो हर कोई लड़कियाँ बहुत फिदा है BTS से, पर पता नहीं हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग BTS को पसंद क्यों नहीं करते हैं, बस लड़कियाँ ही पसंद करते हैं। हाँ हाँ तुमने बहुत सही कहा चिटकी, वैसे तो हमारा भी फेवरेट नहीं है, पता नहीं ये मिंटू और भोलू का फेवरेट होगा कि नहीं, पर मेरा मुझे तो एकदम किसी एंगल से भी अच्छा नहीं लगता ये BTS। तुम सबको पता नहीं कैसे अच्छा लगता होगा देख के उन लोग का डांस गाना वगैरह, सुनो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बोंदो तुमने सही कहा, पता है ना एकदम से मैंने कैसा अजीब अजीब डांस करता है वो लोग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि पता है ना हमारा इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। लड़के ज्यादातर देखते हैं, लड़कियां देख देख के पता है ना एकदम, मेरी छोटी बहन एकदम उन लोगों का ही पीछा करने लगा है, वो लोग जो जो करते हैं वही करते हैं, पता है ना BTS करते करते मेरा तो दिमाग खराब कर देता है, पूरा दिन में किताब तो पढ़ने का कोई नाम नहीं लेता और मैं जो पढ़ाई करता हूँ उसको भी डिस्टर्ब कर देता है कि वो BTS करता रहता है। वैसे मिंटू तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम भी अपना ये शेयर करो। तुम सब एक साइड में हो इसका मतलब मत सोचना कि मैं भी BTS को बुरा मानता हूँ, वैसे मैं बुरा नहीं मानता पर मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है BTS में, ठीक है ना? हम लड़कों में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि सर सो रहे हैं उसके बीच में हम सब BTS का गप्पे मार रहे हैं, वैसे ये सही नहीं है। बोलो हम सबको तो वैसे कुछ ना कुछ लेसन को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए यार,
उस दिन पता है सर मुझे एक एडवाइस दिया था एक भाषण में ही, मैं तो एकदम ठीक हो गया हूँ आजकल। आजकल मैं कोई घमंड की बात नहीं करता हूँ और मैं किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करता हूँ आजकल। पहले तो करता था पर आजकल नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है वाह। ये बात सुन के तो मुझे अच्छा लगा भाई, तुम आजकल बदल गए हो। मिंटू तुम आजकल बदल गए हो, क्या बात है, अच्छी बात है, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, अच्छी बात है, बात है। ए छोरो, तुम सबका घर का काजिया, रोज रोज घर का झगड़ा है तुम सबका। ये सब हम लोग तो BTS के बारे में ही बात करेंगे, है ना शीला? हाँ, क्यों नहीं। अरे लड़कों को पसंद नहीं है तो क्या हुआ, हम सबका तो फेवरेट है ना BTS। वो लोगों को पता नहीं है, हम सबकी तो फेवरेट है ना मीटू? हाँ दीदी आपने सही बोला, मैं भी BTS बहुत देखती हूँ। टीवी में जब भी कुछ प्रोग्राम आता है BTS के, तो मैं सबसे पहले जाके रिमोट पकड़ लेती हूँ। उसके बाद मेरे हाथों से कौन लेती है रिमोट, कौन लेने के लिए जरूरत करते, कोई भी नहीं ले सकते मेरे हाथ से रिमोट। उसके बाद पता है ना मेरा फेवरेट शो जब भी आते हैं BTS का, तो मैं सबसे पहले रिमोट पकड़ लेती हूँ। उसके बाद किसी का भी मौका नहीं होता है मेरे हाथों से रिमोट छीनने की। वाह भाई वाह, तुम्हें तो वैसे मेडल मिलना चाहिए है, रिमोट पकड़ने का मेडल मिलना चाहिए। तुम हो कि रिमोट पकड़ के बिना किसी को पास किए रह सकते हो, यानी कि तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। क्यों मिंटू, हमको वैसे मेडल देना नहीं चाहिए क्या? क्यों मिंटू, हमको मेडल देना चाहिए ना इनको, क्योंकि ये तो मेडल का हकदार है। देखो ना, अगर रिमोट पकड़ के अगर उससे उसका हाथों से कोई छीन ही नहीं सकता, यानी कि वो चैंपियन है। अरे तुम ऐसे मत बोलो, ये हमारे क्लास में नहीं आई है, इसे शर्मिंदगी मत कराओ, है ना चटके। हाँ हाँ सही बोला, तुम सब अपने अपने बिजनेस में टांग अड़ाओ, हमारे नाक में मत घुसेरो, देखो बहुत बुरा होगा लड़को। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार है और लड़कों से आगे बढ़ रहा है, पता नहीं है क्या भोलू? वैसे तुम तो भोलू हो, भी रहोगे। ए इतना भी ज्यादा होशियारी मत बनो चुटकी, तुम मुझसे हाथों हाथ भी नहीं कर सकते और ये तुम मेरे नॉलेज के बराबर हो भी नहीं सकते। तुमको जो मैच नहीं आता है वो मैच मुझे आता है, तुमको जो क्लास में नहीं आता है वो तुम मुझसे पूछती हो, और तुम कहते हो कि तुम लड़कियां आगे जा रही है। हाँ मैं मानता हूँ लड़की आगे जा रही है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा रही है लड़कियां, और आगे जाना भी चाहिए मैं मानता हूँ, पर ये BTS करके आगे जाना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, है कि नहीं मिंटू? हाँ यार तुमने सही बोला, ये BTS के चक्कर में ये लोग आगे चली जाती है, पर पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं होता है इनका। वैसे BTS छोड़ के दूसरा भी टॉपिक होता है इस दुनिया में, BTS के अलावा भी टॉपिक होता है, उसको भी ध्यान देना। अरे भाई तुम सब क्या कर रही हो ये सब है? अरे भाई तुम सबको मैंने क्लास करने के लिए बोला है, ना कि तुम सब ऐसे गप्पे मार के है, क्या बात है भाई? अरे यार तुम सब तो एकदम बदमाश हो रहे, मेरे क्लास में कुछ देर आराम फरमाने के लिए मैंने कोशिश की है, तुम सबका क्वेश्चन पेपर बनाते बनाते मैं थक गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सब मुझे थोड़ा रेस्ट भी करने नहीं दोगे है? अरे यार तुम सब तो BTS के बारे में भेड़िए की तरह लड़ रहे हो आपस में, लड़के लड़कियां, ऐसा थोड़ी ना होता है।
तुम सब अगर कुछ टॉपिक में अगर डिस्कशन करते फिर भी मैं मानता, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता, पर देखो आज तुम सब ने क्या कर दिया। ऐसे बीटीएस बीटीएस करके रहने से थोड़ी ना होगा लड़किया। सुनो लड़किया, आजकल आसमान में ये एरोप्लेन उड़ाता है, पता है ना, जहाज उड़ाता है, और तुम सब बस बीटीएस के चक्कर में पड़े रहो। हमेशा बीटीएस के चक्कर में ही पड़े रहना, फिर जाके ये गांव का जो बैलगाड़ी है वो चलाना। देखो एक लिमिट होता है भाई सब चीजों का। तुमको बीटीएस देखना है देखो, कोई मना नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है ना कि तुम बीटीएस के चक्कर में अपना क्लास ही भूल जाओ, है ऐसा तो नहीं है ना, है ऐसा थोड़ी ना होता है। बीटीएस बीटीएस, और लड़को तुम सब भी बीटीएस के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? तुम सब भी जिसको देखने का मन है देखने दो ना, तुम सब क्यों पीछे लगे रहते हो उनका? तुम सब तो स्टडी कर सकते थे, है क्यों नहीं किए? ए भोंडू, तुम्हें मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ना, तुमने क्यों नहीं सुना? सर क्या करें, मैं मजबूर हूँ, ये सब मुझे बेला फुसला के लड़ा रहा था लड़कियों के साथ, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कर पाया। मैं शर्मिंदगी हूँ सर जी, क्या करूँ, बस हमेशा मैं ही डांट खाता हूँ, कोई और तो नहीं खाते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते भी है तो मुझे ही देते हो आप सर जी, मैं क्या करूँ। ओह नो, ठीक है अगले दिन से ऐसे नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, अगले दिन से तुम ध्यान रखना बोंडू, वरना देखो देखो आज का क्लास तुम लोग बीटीएस के चक्कर में सब पीरियड ही खत्म कर दिए हैं, तो आज ये खत्म करते हैं। चलो जय हिंद जय भारत।